स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट इन अ यूकेरियोटिक सेल। जो लास्ट वीडियो थी इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, जो डिफ्यूजन हमने पढ़ा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ये सारे के सारे मेथड आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी एक सेल से दो सेल, चार सेल, आठ सेल, दस सेल, इतना ट्रांसपोर्ट करना है तो वो मेथड हो सकता है। बट अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो द मैथड इज फेगोसाइटोसिस, सॉरी बल्क ट्रांसपोर्ट करना, मींस आपको लार्ज अमाउंट का कंटेंट एक बार में आपको भेजना है, तो द मैथड कैन बी फेगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल हम इसके बारे में नहीं करेंगे। सेल फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग, एंगल्फ करना किसी चीज को, तो किसी चीज को एंगल्फ कर लेना, जैसे कि एक आपके पास अमीबा है और इसने ये फूड मटेरियल है, इसने अपने सूडोपोडियास बनाए और सूडोपोडियास की मदद से इसने जो फूड मटेरियल है उसको अपने अंदर ले लिया। मान लीजिए ये अंदर आ गया, तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस, एंगल्फ करना। दूसरा मेथड है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी अगर यही कंटेंट सॉलिड ना हो कि लिक्विड हो, तो अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अंदर लिया जाए तो उसके लिए मेथड यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे कि एक सेल अलग अलग तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करता है अगर हम उसको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस में रखें, तो किस टाइप के सॉल्यूशंस में रखने से किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, देखिए ये मैंने लिया एक बीकर है जिसके अंदर हमने लिक्विड रखा है और ये हमारा एक सेल है। मैं इसमें अभी एनिमल सेल ले रही हूँ, एनिमल सेल इसीलिए क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं है, तो ये एक एनिमल सेल है, दिस इज अ एनिमल सेल। और ये जो बीकर है इसमें एक लिक्विड है और ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसके अंदर आपका वाटर का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है सेल के कंपेयर में। हम कह रहे हैं हाई वाटर कंटेंट एंड लेस सॉल्यूट, आपका सॉल्यूट कम है और वाटर कंटेंट ज्यादा, यानी सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर बाहर पानी ज्यादा है और अंदर पानी कम है तो ऑब्वियसली बात है पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, ये मूवमेंट हुआ वाटर का। और जैसे ही वाटर अंदर मूव करेगा ऑब्वियसली बात है द सेल विल स्वेल। तो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको याद रखना है, एक सेल अगर हाइपोटोनिक में रखते हैं तो वो स्वेल हो जाता है, दिस इज हाउ अ सेल बिहेव्स, एनिमल सेल। दूसरी बात करते हैं हम, अगर इसको मैं रखती हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अगर मैं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखती हूँ तो देखिए किस तरीके से होगा। हाइपरटोनिक जस्ट अपोजिट टू दैट, इट मींस व्हेन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में मैंने रखा, इस सॉल्यूशन की बात करें, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेयर एज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अंदर वाटर कम है एज कंपेयर टू सेल, तो ऑब्वियसली बात है सेल से बाहर पानी निकलेगा और जब मूवमेंट वाटर का बाहर की साइड होगा तो आपका सेल क्या कर जाएगा, सेल विल श्रिंक। तो इस केस में सेल आपका श्रिंक करेगा। तीसरा सॉल्यूशन आपका जो होता है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, एज द वर्ड आइसो, आइसो मीन्स होता है सेम, यानी कि जो सेल आपने अंदर रखा जैसा कंपोजिशन आपके अंदर है सेल में, सेम ऐसी कंपोजिशन आपकी सेल में बाहर है। तो इफ देयर इज सिमिलैरिटी इन द कंपोजिशन इन द सेल एंड आउटसाइड देयर विल बी नो चेंज, यानी कि ना मूवमेंट अंदर होगा ना मूवमेंट बाहर होगा, देयर विल बी नो चेंज। तो ये तीन तरीके हैं आपके एनिमल सेल के बिहेव करने के। ये जो चीज है ये प्रूव करती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, उसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही जो है वो स्वेल हुई या वो श्रिंक हुई। तो ये चीजें प्रूव कर रही है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग इन नेचर।
अगर यही चीज हमने प्लांट सेल पे की होती एनिमल सेल की जगह तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे अब हम उसको पढ़ेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर यहीं पर मैं एक प्लांट सेल की जगह एक एनिमल सेल को प्लेस कर देती हूं देन हाउ द सेल विल बिहेव। तो अब मैं कह रही हूं ये मेरे पास बीकर है और इसमें मैंने सेल रखा, पर अब जो मैंने सेल रखा है उसके बाहर सेल वॉल भी है, यानी कि ये जो है आपका ये एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल को जिस सॉल्यूशन में मैंने रखा वो है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन जैसा कि मैंने अभी भी पढ़ाया था उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर वाटर का कंटेंट आपका कम होता है एज कंपेयर टू सेल एंड देयर इज हाई कंटेंट ऑफ सॉल्यूट। तो वाटर कंटेंट कम है तो ऑब्वियसली बात है पानी बाहर निकलेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउड कर रही है पानी बाहर निकलना, रही बात सेल वॉल की तो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, वो किसी की एंट्री नहीं रोकती तो पानी बाहर निकल जाएगा। अब इस केस में देखिए होगा क्या, इस केस में आपकी सेल वॉल तो हार्ड है तो सेल वॉल रिमेन एज सच, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकलने की वजह से इट विल गॉट श्रिंक। सो दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल वहीं की वही है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी ये है, ये श्रिंक हो गई है। तो ये वाला जो होता है इसे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस इज व्हेन अ प्लांट सेल इज कैप्ट इन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, व्हेन इट लूजेस वाटर द सेल वॉल रिमेन्स सेम वेयर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट श्रिंक। इस कंटेंट में आपको पूछा जाए यहाँ पर क्या भरा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यही हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन आपका फिल रहेगा, फिल्ड विद हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो ये प्लाज्मोलाइसिस है, बट अगर इसी सेल को मैं तुरंत इसके बाद इस सेल को वापस मैं एक ऐसे बीकर में रख दूं जिसके अंदर जो आपका सॉल्यूशन है वो हाइपोटॉनिक है। हाइपोटॉनिक का मतलब क्या है? हाइपोटॉनिक का मतलब है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो यहां पर पानी की एंट्री अंदर हो जाएगी और पानी की एंट्री अंदर होने की वजह से सेल वापस अपनी शेप गेन करेगा। तो सेल ने अपनी वापस शेप गेन की, इस प्रोसेस को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो डीप्लाज्मोलाइसिस हुआ प्लाज्मोलाइसिस का बिल्कुल अपोजिट। तो ये हमने पढ़ा, बाकी इसके साइटोप्लाज्म और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।